नेक्स्ट द राइटर इज राइटिंग, करप्शन ब्रीड्स पॉवर्टी. वट डज पॉवर्टी ब्रीड? करप्शन ब्रीड्स काइंड ऑफ से वी कैन से प्रोड्यूसेस, कि करप्शन दे नाल पॉवर्टी जिहड़ी है, गरीबी जिहड़ी है पैदा हुंदी है. एंड पर वो कहिंदे कि की गरीबी दे नाल करप्शन पैदा हुंदी है. वन स्ट्राइकिंग एम्पीरिकल फाइंडिंग इज दैट, स्ट्राइकिंग इज मतलब जिहड़ी कि वी कैन से कि जिहनूं असीं कंसिडर कर सकते हैं. एम्पीरिकल फाइंडिंग मतलब जिहड़ी कि वेरीफाई कीती हुई है, इज दैट पुअर कंट्रीज आर यूजली कंसिडर टू बी मोर करप्ट. ये फाइंडिंग ये कहती है कि जिथे जिहड़ियां कंट्रीज गरीब है वो कंट्रीज उन्होंने करप्शन भी ज़्यादा है. दिस रिजल्ट मे बी ट्रीटिड विद कॉशन. पर पोलो मोरो इज सेइंग कि जिहड़ा ये रिजल्ट है, कि जिहड़ा रिजल्ट की कह रहा है कि जिथे जिहड़ियां कंट्रीज गरीब है उत्थे करप्शन ज़्यादा है. वो कहिंदा मैं थोनू ये कह कहांगा कि इस रिजल्ट नू ट्रीटिड विद कॉशन. कॉशन हेयर मीनस कि सावधानी दे नाल इस रिजल्ट नू तुसी ट्रीट करना है, इनू फॉलो करना है. सिंस इट मे बी वेल ड्रिवन बाय द ऑब्जर्वरस परसैप्शन, जिन्हें फाइंडिंग की है, जिन्हें रिजल्ट किया कटिया आ, हो सकता है वो ये जिहड़ा रिजल्ट है, जिहड़ी फाइंडिंग है, ड्रिवन बाय मीनस मोटिवेटेड बाय अ ऑब्जर्वरस परसैप्शन, वो ये परसनल परसैप्शन भी हो सकती है. उन्हें एक जगह नू देख के वो ये परसनल परसैप्शन ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कि जिथे गरीबी है उत्थे करप्शन ज़्यादा है. However, if one assumes for a moment that the finding reflects a genuine correlation, कहते चलो एक मिनट ले मान भी लो कि जिहड़ी फाइंडिंग है ये जेन्युइन है, ये बिल्कुल सही नतीजा दस्या इन्हें, सही कोरलेशन दसी है. कोरलेशन मतलब डिपेंडेंट ऑन वन अदर, पॉवर्टी डिपेंडेंट ऑन करप्शन, करप्शन डिपेंडेंट ऑन पॉवर्टी. कहते मान लिया कि यह जेन्युइन है, सही कोरलेशन है. इट मे बी यूजफुल टू एक्सप्लोर इट सोर्सिज, कहते ये चीज़ असीं मान लें कि हाँ ये ठीक है फाइंडिंग, तो ये साढ़े लिए की यूजफुल, किस तरह फायदेमंद होएगी. टू एक्सप्लोर इट सोर्सिस, कि कितों ये पैदा होंगी है करप्शन, कितों ये गरीबी पैदा होंगी, किदा करप्शन पैदा होंगी है. वी हैव सीन दैट देयर इज एविडेंस दैट करप्शन लोअर्स इकोनॉमिक ग्रोथ. असी कहते उपर ये पढ़ते आ रहे हैं हूँ तक कि करप्शन के नाल साढ़े को प्रूफ है, एविडेंस है कि करप्शन के नाल इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाती है, thereby breeding of poverty over time. हौली हौली की हुंदा है फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाती है वो कंट्री की हुंदी जाती है, गरीब हुंदी जाती है ओवर अ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम. एट द सेम टाइम पॉवर्टी इटसेल्फ माइट कॉज करप्शन, कहिंदे इहदे नाल ही एक चीज़ ये भी है कि जिहड़ी पॉवर्टी है उही करप्शन का कारण होवे. परहैप्स बिकॉज, शायद क्योंकि, परहैप्स मीन्स शायद क्योंकि, पुअर कंट्रीज कैनॉट डिवोट सफिशेंट रिसोर्सिस टू सेटिंग अप एंड इनफोर्सिंग एन इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क. क्यों? क्योंकि जिहड़ियां पुअर कंट्रीज है उन्होंने कोल इन्ने सफिशेंट नेसेसरी रिसोर्सिस नहीं होंगे कि वो अपना जिहड़ा लीगल फ्रेमवर्क मतलब लीगल सिस्टम आ, जिहड़ा कोर्ट्स है उन्होंने विच वधिया जजेस, वधिया लॉयर्स जिन्हां नूं बहुत अच्छियां सैलरीज दे रहे होन, इदां दे उस जजेस एंड जिहड़े लॉयर्स है उन्हां नूं नहीं लैके आ पाते. मतलब वो लीगल सिस्टम है जिहड़ा वो जिहड़ा उहदा वधिया सैटअप नहीं कर पाते, तो उन्हूं इफेक्टिवली इनफोर्स नहीं कर पाते. हुण वकीलां दीआं ते जजेस दीआं भी सैलरीज घट है, वह भी की करते हैं, वह भी अगे तो अगे ब्राइव लै लेंदे आ, रिश्वत लै लेंदे आ, ते जिहड़ा 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 उन्हां नूं रिश्वत दिंदा है उहदे वल फैसला हो जांदा है. और बिकॉज पीपल इन नीड आर मोर लाइकली टू अबंडन देयर मोरल प्रिंसीपल्स, जां उह कहिंदे हो सकदा है कि जिहड़े जो उन्होंने एक तो लीगल सिस्टम जिहड़ा आ उह जिहड़ा इफेक्टिव जिहड़ा लीगल सिस्टम नहीं सैटअप कर पाते. और कहिंदे की हुंदा है कि जिहड़े लोग है वैन दे आर नीड, जब उन्होंने कोई जरूरत हुंदी है पैसे की ज किसी चीज़ की, वो फिर अपने जिहड़े मोरल प्रिंसीपल्स हुंदे है ना, जिहड़े सिद्धांत हुंदे आ, लाइफ की फिलोसफी हुंदी है, उन चीज़ नूं अबंडन कर देंदे, लीव कर देंदे, उस चीज़ नूं छड्ड देंदे आ. Researchers have begun to analyze the link between civil servants' wages and the extent of corruption. That's the reason. Hun researchers kis cheez te research kar rahe hai ki
ਅਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ IAS ਔਫਿਸਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੁਜੈਸਟਿਡ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਵੇਜਿਸ ਆਰ ਅ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਦੋ ਨੋਟ ਅ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਵੇਜਿਸ ਦਾ ਦਿਉ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੋ ਨੋਟ ਅ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋਨਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੋਨਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਲੋ ਮੋਇਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਨ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ।